हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये मैं ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास हैं 3 ज्वेलरी, तो ये मैंने अभी अभी परचेज किया है और 2 ये हैं जो कि मेरे पहले का है। तो मैं सब शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट में ये शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने लिया था पार्लर के लिए, कोई डेली यूज़ के लिए भी ले सकता है किसको चाहिए हो तो। ये है इसका टीका जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, चल रहे हैं। एंड इसके बाद में इसे वन यूज कर चुके हैं हम एक बार, एक ब्राइडल को मैंने पहना दिया है इसे, और तब शेयर करने का टाइम नहीं मिला था। और ये हैं इसके झुमके कानों के जो कि मीडियम हैं। एंड इसके बाद में ये है इसके हाथ फूल जो कि हाथों में पहने जाते हैं, ठीक है। 2 हैं, एक ये रहा। तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा तो मैं दिखा देती हूँ। ये है इसकी नथ, इसमें आधी लड़ी ये स्टोन वाली है और आधी ये सिंगल ये वाली। एंड इसके बाद में इसके साथ क्या क्या है वही आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो ये है जो कि मानस नहीं लगाते वो वाला टीका, आई मीन आजकल तो कोई भी लगा सकता है। ये है बड़ा वाला जोकर की, और ये है रानी हार। तो ये है जो कि ज़्यादा हैवी में भी नहीं है और ज़्यादा बिल्कुल लाइट में भी नहीं है, ब्राइडल पे अच्छे से जाता है। और इसका है वाइट गोल्डन एंड रेड मरून कलर, तो ये 3 में है इसका कॉम्बिनेशन जो कि ब्राइडल पर काफ़ी अच्छा लगता है। मैं फ़ोटो लगा दूँगी जिसके लिए मैंने पहनाया था, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। और मैं रेड लहंगा पर पहनाया था, मैंने सोचा उसका ये क्या बोलते हैं मरूम लहंगा है, लेकिन उसका मरूम नहीं था, उसका रेड था। एंड इसके बाद में ये है मेरी सबसे पुरानी वाली ज्वेलरी जो कि मैंने ख़रीदी थी अपने शादी पे, जो कि अभी तक रखा हुआ है। पहनने में तो हैवी लुक दिया था, जैसा मेरा लहंगा था ना वैसे ही सेम निकला। देखो इसके नग वगैरह साले निकले हुए हैं सारे, बट ये काम आए ना आए, लेकिन मैं इसे हमेशा रखने वाली हूँ, तब तक ये रहेगी। देखो ये यहाँ से निकल गया है। पहनने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, और इसका नथ था जब बड़े नथ का वो नहीं था इतना, तो इसका नथ था जो छोटा था। और ये थे इसके कानों वाले, ठीक है। ये भी हाँ ये लड़ी वाले कानों वाले थे। और ये था इसका टीका, अब जो कि एकदम से अलग लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा जी को इसके नग निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड ज्वेलरी, अब कुछ काम का हो या ना हो बट याददाश्त तो रखी रहती है ना। एंड इसके बाद में है थर्ड, तो इसे भी एक ब्राइडल को मैंने पहनाया था। देखो सामान भी रखा हुआ है जो मैं शादी में गई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी ना उसी में। सो मैंने तो अच्छे से इसे समगा के रख भी ना पाई हूँ, किट वगैरह इसी में मैं लेकर आई थी, क्योंकि दूर का रास्ता है टूट जाते, इसलिए इसमें रख के लेकर आई हूँ। देखो ज्वेलरी का भी क्या हाल हो रखा है। तो ये तो शायद मैंने शॉर्ट्स में डाल दी है। एक तो ये वाला है इसका कान का, ये पता नहीं किसका है, हट गया, ये देखती हूँ, ये शायद कानों का ही हटा है इसका। यस ये झुमका दूसरा, जो कड़ी खुल गई है इसकी, इसे मैं ठीक कर दूँगी। और ये तो मेरा है जो कि मैंने पहना था उसमें। इससे ना धरना और निकालना बहुत ही उससे पड़ता है, मतलब इसके ना नग निकल जाते हैं। कोई भी ज्वेलरी हो आप लोगों के पास भी हो तो बहुत अच्छे से ध्यान से रखें यार, कि मैंने तो ऐसे ही रख रखा है। और उसके देखो सारे ना छोटे छोटे नग निकले हुए हैं। यह है एकदम हैवी में है। तो यह है इसके हाथों वाले वो क्या कहते हैं हाथ फूल। और यार कैसे निकाली इसे,
और ये है इसका कानों को हैवी वाला, देखो बहुत हैवी है ये कानों वाले, और इसमें ना वजन भी है यार, मैं तो कभी ना पहन पाऊँगी। ये मैंने पहने थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगा था वजन इनसे, मैंने ऐसे ही डाले थे, थोड़ी देर डाले थे, चाक पूज रहे थे तब, वीडियो देखा होगा आपने। और ये है बड़ा वाला जोकर जो कि हैवी में है यार, इसमें वजन भी है, हैवी में है ही नहीं, इसमें रियली में वजन है। तो ये हो गया इसका सॉरी रानी हार, और ये है जोकर सेट। इसके नीचे से ना यहाँ से निकल गया, वो भी मैं लगा दूँगी। ये है देख सकते हो आप कितना हैवी है, वजन भी है इसमें। और इसके बाद में ये इसके साथ में बाजूबंद, ये थोड़ा हैवी में है और इसकी रेंज भी थोड़ी ज़्यादा है, 4-5 के करीब, 3 से ऊपर है मतलब इसकी रेंज। और ये है दूसरा कान वाला, ये है जो कि इसमें से निकल गया था, देखो इसका नग भी निकल गया है। और ये है इसका मांग टीका, तो मांग टीका आप लोग देख सकते हो कितना हैवी में है। और ये इसकी नथ है, ये तो कई बार यूज किया हुआ है, पुराना है, बट है ये हैवी में, देखो मतलब 7 लड़ी वाला टीका है। तो ये मैंने ब्राइडल को पहनाया था, दो ब्राइडल थी, और ये है दूसरे हाथ का हाथ फूल। सो ये हाँ, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ सो आशा करती हूँ ये सब ज्वेलरी आइटम आपको पसंद आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके जितना सपोर्ट करना। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।